बहुत सारा प्रोडक्शन से गेट से बाहर कर दिया, गेट से बाहर कर दिया, वही बिहारी बुद्धि साले एक दिन यही मैं करम। मैंने किया प्रयागराज पहला सीरीज, प्रयागराज के बाद मुझे को मिला रे। रे नेटफ्लिक्स पे है, मनोज वाजपेयी, अली फैजल है, हर्षवर्धन कपूर है, ये सब है, ये किया। इसके बाद मुझे तुरंत बाद एक फिल्म आ रही थी उन्हीं प्रोडक्शन है उसका, शाबाश मिठू, ये जो हाँ जो अपनी मिताली राज थी, वुमेन क्रिकेट का कैप्टन, उनकी बायोपिक है, तो वो मैंने किया। वहाँ से करने के बाद मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर एक रोहतक सिस्टर वेब सीरीज किया, उसके बाद अभी मेरी एक सीरीज आई है अमेजोन मिनी टीवी पे, क्राइम आजकल, विक्रांत मैसी के साथ। चीज़ें 6-7 महीने तो बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए, 6-7 महीने बड़ा मुश्किल रहा, उसके बाद होता गया। और अब ये है कि मतलब अब मुझे भी लोग जानते हैं, एक्ट जो हीरो हैं बड़े बड़े आपके, जो भी ए ग्रेड के हीरो जानते हैं कि सोनू सिंह राजपूत एक लड़का है जो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो अच्छा काम करता है। मतलब आधा चेज हो गया है और अब तो जिंदगी है, जब तक तो चेज करना ही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। प्रतिभा जोन बा, प्रतिभा ना तो सुविधा के मोहताज होला और ना ही जगह के मोहताज होला। एगो ऐसा प्रतिभा से आज मिलावे जा रहा बनी, चूंकि नारायणी के गोद में हम बानी, माने गोपालगंज में बानी, और गोपालगंज में बहुत सारा नाम जोन बा आज के डेट में चर्चा में रहता। लेकिन अगर फिल्म जगत के बात कर जाओ तो गोपालगंज में खाली एगो पंकजे त्रिपाठी नहीं खन, पंकज त्रिपाठी के बादो लोग एजा बाटे जेकर चर्चा कल जा सकता, जरा से बातचीत कल जा सकता। ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में काम करे वाला एज ए कास्टिंग डायरेक्टर एगो चेहरा बा जोन की चर्चा में बा आजकल, और बहुत सारा लोग के साथ, बड़ा बड़ा लोग के साथ। जैसे अगर हमने के बात कल जाओ तो चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा होखस, चाहे वो मनोज वाजपेयी होखस, ऐसा ऐसा लोग के साथ काम करे वाला एगो लाल हमने के यही नारायणी के गोद से निकल बने। हालांकि इतफाकन वो फिल्म इंडस्ट्री में गई बने, हम बातचीत करें, बातचीत के क्रम में सारा अनुभव जाने के कोशिश करें। सबसे पहले मिलावे के चाहता नहीं रुआ मिली हमने के अपना नारायणी के लाल सोनू सिंह राजपूत, यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर बनी मुंबई में, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सबसे प्रणाम मैच बॉक्स के पूरा दर्शक के, बिहार के जनता के। चूंकि यहाँ के अभी यहाँ से थोड़ा सा लगाव जोन बा, अभी मुंबई में ज्यादा काम बा, तो हिंदी में थोड़ा सा हुआ कंफर्टेबल होकर हमारा लगाता, मतलब मिक्स हो जाए। हाँ, मिक्स हो जाए। तो हिंदी में, हिंदी में हमने की बात कर ली, यहाँ के गोपालगंज जिला के रहे वाला हैं, का नाम है गाँव के? हलुआर मनियापुर। हलुआर मनियापुर, मनियापुर, हलुआर मनियापुर ही गाँव हो। पढ़ाई तो शुरुआती यही जा, शिक्षा दीक्षा भई रहे? हमारे एजन स्कूल बा। अच्छा, एजन स्कूल बा, मतलब 12th, 10th तक तो ही मैं बा। 10th के बाद मैं छपरा चला गया SDS कॉलेज, और वहाँ से करने के बाद मतलब 2007 में दिल्ली में एडमिशन करा दिए घर वाले, BCA किया। BCA के बाद मैं MBA भी किया बीच में, लेकिन बीच में छोड़ दिया, और कमला राय से ग्रेजुएशन भी किया हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब BCA के साथ ग्रेजुएशन भी कर रहा था उस समय, और फिर करते करते मतलब जॉब में, तो मतलब मैं जॉब कर ही रहा था, मैंने एक्सिस बैंक किया था, फिर एक्सिस बैंक के बाद सेल्स मैनेजर था, उसके बाद मैं ICICI बैंक में करोल बाग में सेल्स मैनेजर था, उसके बाद अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में था, मोतीलाल ओसवाल में था। बट मेरे मन में हमेशा ये रहता था, मतलब 6 महीने जॉब करता था, छोड़ देता था, तो पापा बहुत परेशान रहते थे, फैमिली की मतलब यही सब आपको पता ही है गांव के, अगर कर लो जल्दी शादी करना है, ये आपको तो पता ही, हम लोग 20-22 साल के बाद बिहार के लोग कि शादी करो जल्दी करो। बट मेरे मन में एक चीज़ था, मतलब हमेशा से ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, मतलब अलग करना कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, क्योंकि हर लोग इंजीनियर है, मुझे MBA करके HR में नहीं जाना, हर लोग मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोगों को लगे कि ये किया जा सकता है, बट ये नहीं पता था कि क्या करना है, मतलब हमेशा था कुछ अलग करना है। और कहीं ना कहीं यहाँ के पहले दिल्ली में रहनी, दिल्ली में पढ़ाई करनी, दिल्ली में जॉब करनी, और डेस्टिनी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि डेस्टिनी है जोन की मुंबई खींच के लेके गई होता है। मैं मानता हूँ, मेरे साथ भी हुआ, डेस्टिनी होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है आपके साथ, डेस्टिनी होता ही है, डेस्टिनी को जो मंजूर होता है शायद वही होता है। जितना आप मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ आपका डेस्टिनी और लक होता है, तभी कुछ होता है, और ये तीनों साथ पैरेलली चलता ही चलता है। आपको पिताजी यहाँ पर डॉक्टर बने?
नहीं, मेरे भाई डॉक्टर हैं। अच्छा, भाई डॉक्टर हैं। और पिताजी मेरे, हम लोग पहले वो पंजाब रहते थे लेकिन वो फॉर्मर हैं अभी, मेरे पिताजी हैं। अच्छा। और हाँ, पिताजी हैं मेरे और भाई डॉक्टर हैं बस यही। तो आप जैसे, आपने कभी सोचा तो था नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या कास्टिंग डायरेक्टर बनना है? देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है मेरे को मुंबई में जाके पता चला, तो ये तो कभी नहीं सोचा था। हाँ, मेरे जो बड़े पापा थे वो महाराष्ट्र में रहते थे। अच्छा। तो दे तो हो गया था, तो घर वाले कहते थे मतलब इतना दूर नहीं जाना, महाराष्ट्र तो आपको पता है थोड़ा सा अलग है। तो मतलब मैं मुंबई में भी कभी नहीं सोचा था। हाँ, जिसके साथ मैं जब एक्टर को देखता तो मैंने कहता यार इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ शुरू शुरू, यार ये है टीवी पे देख देख के, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था। बट बस फ्रेंड सर्कल बना और फ्रेंड के चक्कर में मुंबई गया कि कुछ करते हैं चलते हैं। बट कभी ये सोच के नहीं रहा कि मुझे मतलब इंडस्ट्री में जाना है, मुझे ये करना है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना। हाँ, दिल्ली में था तो थोड़ा बहुत इवेंट वगैरह होता है ना, वो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट एरिया था। कुछ दिन मैंने एक रफ्तार न्यूज चैनल था उसको भी ज्वाइन किया था, मतलब कुछ ना कुछ मतलब दिमाग थोड़ा सा मतलब एक बोलते ना, यहाँ मजा नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, मतलब ये था कि यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। तो एक रफ्तार न्यूज भी ज्वाइन कर लिया था कुछ टाइम के लिए। थोड़ा सा मीडिया जो इंटरटेनमेंट है इंटरेस्ट एरिया तो था, बट ये नहीं पता था कि यही करना है और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये कभी नहीं था। तो गए आप और आपने एज ए फ्रीलांस कोऑर्डिनेटर शुरू किया था काम? सर, जब मैं स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि आप हो चाहे मैं हो, जब तक हम किसी को नहीं जानते हैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता। जैसे आपने एक बताया जर्नी अभी मेरे को बैठा के, तो मेरा अपना दिन याद आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी कोई इंटरटेन नहीं करता था। और सबको लगता है ना कि आप चार लोग हैं तो एक पांचवा है, तो भाई क्यों रखें इसको, हटाओ, अपना काम खाएगा। ये सबका होता है, चाहे शहर बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो उसी में करते करते मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन से गेट से बाहर कर दिया, गेट से बाहर कर दिया, वही बिहारी बुद्धि, साले एक दिन यही में करम। फिर ऐसे ही करते करते एक जी, देखिए जी, वाह जी से आप भी जी स्टूडियो गया, तो उनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसमें वो सीरियल बनाते। तो वहाँ एक दोस्त मिला, बोला यार मैं मेरे से आप काम लो, मैं आपको काम देता हूँ, आप मेरे लिए काम करो फ्रीलांस। फिर तीन चार महीने किया, पाँच महीने किया, पाँच महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे कॉन्टैक्ट थोड़ा अच्छे बन गए या फिर मेरे बात विचार अच्छे थे कि लोग इंटरटेन करने लगे। करते करते मतलब 17 से 18 तक आते आते मतलब 2080 तक मैं एक दंगल का शो आता है क्राइम अलर्ट, अभी स्टार्ट हुआ था दंगल चैनल, अभी स्टार्ट हुआ था, उसमें मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया था। और फिर करते करते जितने भी एपिसोडिक शो आप देखते होंगे, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, लाल इश्क, ये सब मैंने किया और बहुत ज़्यादा किया है। उसके बाद तो मुझे पता चल गया कि अब क्या होता है, बेसिक चीज़ क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने फिल्म स्टार्ट कर दी, लॉकडाउन में आया घर और पता नहीं फिर वही मेरा दिमाग थोड़ा खुरापाती कि अब जाऊँगा तो कुछ अलग करना है, फिर से अलग, हाँ अब डेली शो नहीं करना है, अब सीरियल नहीं करना है, तो फिल्म में गया। तो फिल्म में मेरा पहला ब्रेक था एक सीरीज, उस समय वेब सीरीज का चलन हो गया था, आपको पता है लॉकडाउन में सब लोग वेब सीरीज का चलन हो गया था। तो उस समय एक मैंने किया प्रयागराज, पहला सीरीज प्रयागराज, के बाद मेरे को मिला रे, रे नेटफ्लिक्स पे है, मनोज वाजपेयी, अली फैसल है, हर्षवर्धन कपूर है, ये सब है, ये किया। इसके बाद मुझे तुरंत बाद एक फिल्म आ रही थी उन्हीं प्रोडक्शन हाउस का, शाबाश मिठू, ये जो, हाँ जो अपनी मिताली राज थी, वुमेन क्रिकेट का कैप्टन, उनकी बायोपिक है, तो वो मैंने किया। वहाँ से करने के बाद मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर एक रोहतक सिस्टर वेब सीरीज किया, उसके बाद अभी मेरी एक सीरीज आई है अमेजोन मिनी टीवी पे, क्राइम आजकल, विक्रांत मैसी के साथ, वो किया। एक और सीरीज किया हूँ, फिर एक सोनाक्षी की फिल्म किया हूँ, सोनाक्षी सिन्हा, परेश रावल, अर्जुन रामपाल की आने वाली है, निकिता रॉय, अभी कुछ नवंबर तक उसका रिलीज डेट आ जाएगा, बहुत बड़ी फिल्म है मेरे लिए। तो मतलब जितने भी ऑलमोस्ट है सारे एक्टर के साथ मैंने काम किया है, बाकी अभी नवाज वगैरह सर के साथ काम चल रहा है, पंकज भैया के साथ भी कुछ चल रहा है, तो अभी चल रहा है काफ़ी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे हम लोग गांव देहात के लोग हैं, हम जानते हैं कि फिल्म में हीरो काम करला, हीरोइन, गुंडा मतलब विलेन, और एक्टर डायरेक्टर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, सिंगर होते हैं, हम लोग इतना कुछ समझते हैं, ये कास्टिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर एक आम आदमी
आपके पिताजी जानना चाहें, इनके जैसा लोग कोई समझना चाहे कि कास्टिंग डायरेक्टर के नाम का होला। डायरेक्टर तो पता बा कि फिल्म बनावेला, हमें क्यों बनी बनावेला, कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है? अच्छा, आपसे आपने सही बात पूछा, कोरियोग्राफर क्या करता है? कोरियोग्राफर का काम क्या होता है वो पता है? कोरियोग्राफर के लोग ये जान लगे भाई डांस करावेला पीछे, ये गाने पे प्रिपरेशन कराता है। अभी आपने बोला ना गुंडा हीरो, ये गुंडा हीरो कहाँ से आते हैं? ये कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। जितने कास्ट होते हैं ना, हीरो से लेके हीरोइन, गुंडा, चाचा भाई, ये पूरे करेक्टर को कास्ट करने का काम ही कास्टिंग डायरेक्टर, वही कास्ट करता है कि इस करेक्टर में कौन फिट बैठेगा स्क्रिप्ट के हिसाब से। डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ बैठ के वो डिसीजन लिया जाता है। मतलब एक ऑप्शन होता होगा कि फलाना फलाना एक्टर इसमें फिट बैठ सकता है। अब जैसे मेरा है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा है कि आप में इसमें फिट है, डायरेक्टर बोलेगा नहीं ये नहीं फिट है, तो डायरेक्टर को क्या चाहिए उस करेक्टर के हिसाब से, उस करेक्टर को आपको ढूंढ के लाना है, पूरे एक्टर को फाइनल करना है आपको। आपकी राइटिंग हो गई, स्क्रिप्ट हो गई रेडी, डायरेक्टर हो गया रेडी, प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर को हायर कर लिया, राइटर हायर हो गया, स्क्रिप्ट रेडी है, डीओपी रेडी है, लेकिन एक्टर का अब हमारा काम है कि कास्टिंग डायरेक्टर हायर करो कि एक्टर लेके आए पूरा, वो लेके आएगा, वो बजट के हिसाब से, हाँ, हीरो कौन होगा इसमें, हीरोइन कौन होगा, वो देखे और वो फाइनल करे, फाइनल करके हम डायरेक्टर को देंगे, डायरेक्टर फिर बैठ के फिर जाके सब कुछ रेडी हो जाएगा, तब जाके शूट होता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर चैलेंज तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी एसपी का रोल करना है, आपके आपकी नज़र में आया कि फलाना फलाना एक्टर हैं, अब उनके पास डेट्स हैं कि नहीं हैं, पैसे के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस डायरेक्टर के साथ काम हमको करना है कि नहीं करना है। अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया कि मुझे ये एक्टर चाहिए, इमरान हाशमी चाहिए मेरे फिल्म के लिए, लेकिन इमरान हाशमी के पास डेट नहीं है, तो कुछ ऐसा ही दो उसके नाम से, उसके जैसा बड़ा, उसके जैसे मासूम दिखने वाला, जिसकी आँखों से खेलने आता हो। इमरान हाशमी सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, उसकी आँखों से खेलना आता हो कि मासूम लगे, वो किसी के मर्डर करे तो किसी की यकीन ना जाए कि साले मर्डर कर भी सकता है, तो आपको उसके जैसे कोई एक्टर लेके आना है, आप ढूंढो, उसका डेट मैच करो, प्रोडक्शन का एक बजट है, उस बजट से मैच करो, तुम बोल दिया ईपी उनके साथ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है उसके बाद, वो मैच करेगा कि सर हमारा बजट ये है, इतना दिन का शूट है, तो ये सब चीज़ होता है। यही काम है कि मिलने, मतलब आम भाषा में कहते हो ठेकेदार कि भाई बजट बा, ईटा यहाँ से ले आओ के बा, कर दिया गया आपको, ये आपका फीस हो गया सर, अब आप कहीं से भी लेके आओ फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका बाहर से है तो देखिए, हम सबसे अच्छी बात है कि कहीं से भी हो सब कुछ प्रोडक्शन देता है, आना जाना रहना खाना पीना, एक्टर हो चाहे मैं हूँ, तो कहीं से भी लेके आओ आप, उसका ऑडिशन लो, उसको टेस्ट करो अपने स्क्रिप्ट पे कि भाई वो परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, जैसे आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपके स्क्रिप्ट पे अगर परफॉर्म अच्छा किया, डायरेक्टर को भी लाया कि हाँ भाई ये खेल जाएगा इस करेक्टर से, तो अब आप बोल रहे थे ना विनोद, तो विनोद के लिए हम, मैं इमरान हाशमी को तो नहीं कर सकता ना, विनोद जैसे ही बंदा ढूंढूंगा ना, उससे मिलता जुलता कोई हो, तो वही सब कुछ लुक मैटर करता है, लुक से लेके बॉडी से लेके पर्सनालिटी से लेके करेक्टर वाइज सब देखना पड़ता है। अच्छा, शुरुआती दौर में जब एकाएक आप एमबीए कर रहे थे, आपने बैंक में नौकरी करी, आपने मल्टी नेशनल कंपनीज में नौकरी करी, और अचानक से आप चले गए मीडिया में भी गए, और अचानक से आप चले गए फिल्म इंडस्ट्री में, जहां आपको कि इस हाइट का हीरो चाहिए, वो डार्क होना चाहिए कि फेयर होना चाहिए, मासूम दिखना चाहिए कि खतरनाक दिखना चाहिए, अचानक से फील्ड पूरा चेंज, सब कुछ पूरा इन्वायरमेंट चेंज, तो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे ढाल पाए आप, क्योंकि आपके लिए भी तो चीज़ें नहीं थी ना। तो मेरे लिए बहुत टफ था, बट ये था कि मैं दिल्ली में रहा था, मतलब 2006 का मेरा वो बोर्ड जो इंटरमीडिएट होता है ख़त्म हुआ था छपरा से, एसडीएस में था, उसके बाद दो तीन जगह गया मैं, कलकत्ता फिर पंजाब, लेकिन मेरे को दिल्ली समझ में आया। तो देखो कुछ तो मतलब इन्वायरमेंट तो पता चल गया था कि लोग यहाँ पे ओपन माइंड होते हैं, इतना शर्म नहीं होता है, बट दोनों में बहुत अंतर है मुंबई और दिल्ली में। वहाँ गया तो कुछ 5-6 महीने तो मैं भी बहुत अनकम्फर्टेबल रहा हर चीज़ से, आज भी मैं शर्माता हूँ थोड़ा सा, हम लोग बिहारीपन में शर्म तो होता ही है, तो आज भी मैं शर्माता हूँ, लेकिन धीरे धीरे बोलने से हिचकिचाता था, इंग्लिश बातें हम लोग को, तो आपको पता है हम लोग इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होते हैं नॉर्थ वाले को, लेकिन वो कहते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में आप जाते हैं ना, समय के साथ आप में भी परिवर्तन आता है। टफ था लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो गया, मैनेज कर लिया, और आज चैलेंज तो देखिए, चैलेंज तो जितना आप स्टेप आगे बढ़ेंगे उतना बड़ा चैलेंज आपको मिलता ही जाएगा, कि
कितने भी बड़े सक्सेस हो जाएं, एक लोग उससे बड़े सक्सेस बैठे हुए हैं आपके ऊपर, तो वो तो है। तो लॉकडाउन के पहले जहाँ तक मुझे पता है कि आप बड़े महंगे कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे डेली शो के लिए, टेलीविज़न के लिए, तो जब उसके बाद आपने फिल्मों की तरफ रुख किया कि नहीं अभी मुझे फिल्में करनी है, वेब सीरीज़ करनी है, नाम को बड़ा करना है, बड़े इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, तो उसके बाद चीज़ें कितनी बदली? सर लॉकडाउन के पहले जितने मतलब मैं क्राइम शो के लिए सबसे ज़्यादा चार्ज करता था, आज भी ज़्यादा चार्ज करता हूँ, लेकिन आज लोग नहीं देते हैं कि उनको पता है कि मतलब अब उनको जानते हैं कि भाई उसको कॉल करेगा तो अब वो अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली पैसा तो बढ़ेगा। चैलेंज वही था कि फिर से अब जीरो से स्टार्ट कर दीजिए। अब होता है कि आप टीवी किए हैं तो आप फिल्म कर पाएंगे कि नहीं, ये एक टास्क पहला था। और मैंने भी 6 महीने फिर स्ट्रगल किया, वो फिर 6 महीने स्ट्रगल हुआ कि भाई नहीं नहीं टीवी वाले हो, तुम्हारे पास बड़े एक्टर नहीं होंगे, वो बेसिकली हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस है टीवी वाले, वो हर सीरीज़ में, हर सीरियल में, हर डेली शो में अलग अलग एक्टर होते हैं, है ना। और फिल्म में आपको पता है कि शायद टीवी वाले को आप जानते भी नहीं होंगे, आज देखेंगे सीरियल ख़त्म हुआ उसको कोई नहीं जानेगा, लेकिन आप फिल्म वाले को पता है, सदियों से जानते हैं कि सलमान है, तो सलमान है, कार्तिक आर्यन है, इनमें तो चीज़ें 6-7 महीने तो बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए, 6-7 महीने बड़ा मुश्किल रहा, उसके बाद होता गया। और अब ये है कि मतलब अब मुझे भी लोग जानते हैं, जो हीरो हैं बड़े बड़े आपके, जो भी ए ग्रेड के हीरो जानते हैं कि सोनू सिंह राजपूत एक लड़का है जो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो अच्छा काम करता है। मतलब आधा चेंज हो गया है और अब तो ज़िंदगी है, जब तक तो चेंज करना ही है। अब एक तरफ जहाँ पहले आप जब जॉब करते थे तो 9 to 5 या 9 to 6 की नौकरी करते थे, वो आराम से काल बैंक में होंगे तो टाई वाई लगा के जाते होंगे, अब आप हैं इंडस्ट्री में, यहाँ आप जैसे मर्जी वैसे रहिए, पूरा फंकी लुक में रहिए, उसके बाद टाइम की भी बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना, वो चीज़ जो है कितना आनंद देता है कि आप एक तरफ 9 to 5 में एकदम जीतोड़ मेहनत करते थे, यहाँ भी मेहनत यहाँ भी करते हैं, जीतोड़ यहाँ भी करते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं और मज़े लेके करते हैं, आपको मज़ा आ रहा है इस काम में? हाँ, बेसिकली क्या है सर कि देखिए चीज़ें ये है कि अब मेरा एक होता है, देखिए मेरी पहले सोच थी, मेरे को कोई बोलता था सरकारी नौकरी करना है तो सर मेरे को आज अभी तो मैं यहाँ आऊँगा, आज मेरे को 10 साल पहले भी आप बोलते ना तो मैं सरकारी नौकरी नहीं करता, मुझे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करना था। और दूसरा 9 to 5 में एक फिक्स होता है कि आप कितना भी कर लो, आपको जो 40,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी, वही आने हैं। मैं इसमें जितना मेहनत करूँगा उतने पैसे बना सकता हूँ, इसका फिक्स नहीं है। लाखों रुपये डेली कमा सकता हूँ, करोड़ों भी कमा सकता हूँ और नहीं भी कमा सकता हूँ, तो ये मेरा और कल्चर बिल्कुल सही बोले आप, यहाँ कोई फॉर्मल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब हाफ पैंट पे हम लोग मिलते हैं। हाँ, मैं तो नहीं पहनता लेकिन मैक्सिमम लोग हाफ पैंट पे आपको मिलेंगे, बनियान पे मिलेंगे। इसका सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है कि जो हाफ पैंट पे है ना, वो पता नहीं आपको कितना बड़ा करोड़पति आप जज ही नहीं कर सकते। अब BMW से घूम रहे कोई पूछने वाला नहीं है, आप काम किए हो तो BMW वाला आके आपको नमस्ते करते हैं वहाँ पे, सर कहाँ घूम रहे। तो ये है, कल्चर बिल्कुल अलग है, खुले हैं आप, बाउंडेशन कोई बाउंडेशन नहीं है। और हमारी काम भी वैसे भी इंडस्ट्री के काम भी स्टैंड 12 बजे के बाद होता है, 12 बजे से 2 बजे रात तक काम चलता है हम लोग का, तो ये है, दोनों का अलग मज़ा है। तो आने वाले टाइम में किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप, जिसको आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन कुछ अभी मेरी एक वेब सीरीज़ आएगी आपको शांति भवन करके, अब ये शायद जियो पे आए या नेटफ्लिक्स पे आए, Viacom 80 का है। उसके बाद मेरी एक फिल्म आने वाली है जो मैंने आपको बताया सोनाक्षी जी के साथ, निकिता रॉय करके है, नाम चेंज भी हो सकता है आज अपना, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा है, परेश रावल है, अर्जुन रामपाल है, बहुत सारे एक्टर हैं। और उसके बाद एक और फिल्म आ रही है, उसका नाम डिसाइड नहीं है अभी, कास्टिंग स्टार्ट हुआ है, तो 4-5 प्रोजेक्ट है जो लाइनअप है, जो आ रहा है, कास्टिंग स्टार्ट हुआ, अब देखिए कौन एक्टर फाइनल होता है। ये 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका हो चुका है फाइनल, तो ये रिलीज पे है, शूट वगैरह हो चुकी है। एक वेब सीरीज भी है रोहतक सिस्टर करके, वो रोहतक की कहानी है, जब बस में लड़ाई हुआ था आपको पता होगा 2000, तो वो भी सीरीज आने वाली है, वो भी एक शूट वगैरह हो गया है, MP में पूरा शूट हुआ, 1 साल हो गया, तो भी आने वाली है इस साल। तो 4-5 प्रोजेक्ट है जो रिलीज पे है, बाकी तो अभी चल रही है सारी।
बिल्कुल। एक सवाल और, एक सवाल मुझे अक्सर, मैं जो भी अगर बिहार से निकला हुआ कोई मिलता है मुझे तो मैं पूछता हूँ, मैंने देखा कि इंडस्ट्री में जाने वाले ज़्यादातर बिहारी जो होते हैं ना, वो अपनी पहचान छुपाते हैं, वो बताना नहीं चाहते कि मैं बिहार से हूँ, जब तक कि बड़ा मुकाम ना हासिल हो जाए। जब मुकाम मिल जाता है, वैसे पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी जैसे लोग बहुत कम ही हैं जो अपने आप को शो कर पाते हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो आखिर क्यों होता है ऐसा? आप जो बात कर बोल रहे हो ना, मेरे साथी लोग भी हैं ऐसे में, अच्छे एक्टर हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उनको मतलब भोजपुरी बोलने में उनको शर्म लाता है, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं तो शुरू से लिखता हूँ, मेरे जितने भी पोस्ट होंगे तो, और कुछ गोपालगंज लिखना चाहे बिहार लिखता हूँ, गोपालगंज भी लिख देता हूँ, तो मेरे को कोई नहीं है, मैं तो प्राउडली बोलता हूँ कि मैं बिहार से हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि जड़ को ना छोड़िए मत, जड़ से जुड़े रहिए आप। ठीक है, आपका वो कल्चर वहाँ है, वो अच्छी बात है, लेकिन अपने जड़ को मत भूलिए कि आप कहाँ से आए हैं, मेरा ये मानना है। और दूसरा यार, नाम बनाने गए हैं और नाम बताने में ही सर हमारे, तो फिर कैसा नाम? बिल्कुल, तुम होते हैं, लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम सोच को तो बदल नहीं सकते, सद्बुद्धि दे भगवान। और लोग अंत में तो वहीं पर आ जाते हैं ना भाई, तो फिर क्या फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सोनू जी, आपने बहुत समय दिया और बातचीत की, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुंबई में रहने वाले लोग और यहाँ आके आप गर्मी में पक रहे हैं, तो आप गांव पे आए हैं, मिले आप, काफ़ी अच्छा लगा, और भविष्य के लिए आपके लिए शुभकामना है कि आप बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हो जाए इंडिया में, आपसे बड़ा नाम किसी और का ना हो, हमारे तरफ से शुभकामना है। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत तरक्की करें, आप भी यहाँ से यहाँ इतना दूर पहुँच गए, आपके लिए भी बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच, आप मतलब इतने धूप में बाइक ड्राइव करके आए, ये बहुत बड़ी बात है, चला कर आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने के बातचीत करत रहनी है जहाँ सोनू सिंह राजपूत, यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर बनी मुंबई में, और डेली शो तो बहुत सारा कहले बनी, लेकिन फिलहाल फिल्म में काम कर रहा बनी, काफ़ी सारा वेब सीरीज़ में काम कर रहा बनी, जो पहले यहाँ चर्चा में भैल और चर्चा में यहाँ के बताई नहीं है कि कौन कौन काम कहले बनी। एक अलावा भी आवे वाला समय बहुत सारा प्रोजेक्ट बटे, तो हमने के नारायणी के गोद से निकल के गौर लाल बहुत गर्व से जब बात चले ला गोपालगंज के, तो बड़ा फख्र से लोग कहला कि पंकज त्रिपाठी गोपालगंज वाला, तो एगो और नाम बा जो ने गोपालगंज के से निकल के बाहर जा रहल बा और काम कर रहल बा और अपन छटा जौन बा पूरा जग में बिखेर रहल बा, तो आवे वाला टाइम जौन होके वो सोनू सिंह राजपूत के होको हमने की शुभकामना बटे। बहरहाल रुआ देखत रही मैच बॉक्स।